दोस्तों, किम विलियमसन और ईश सोढ़ी ने पाकिस्तान को हताशा में डाल दिया है। न्यूजीलैंड गुरुवार को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन 81 रन से आगे हो गया है। विलियमसन, जिन्होंने दूसरे दिन देर से लगभग दो साल में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया, 308 गेंदों में 137 रन बना के नॉट आउट रहे, जबकि सोढ़ी चार साल बाद अपने टेस्ट में वापसी किए थे, जो कि 127 गेंदों में 41 रन बना के नाबाद रहे। फिलहाल लंच में भी न्यूजीलैंड 519 रन पर 6 विकेट पर है।